पर्वों पर। उत्तराखंड के हरिद्वार गंगा दशहरी और निर्जला एकादशी के अवसर पर लाखों की तादाद में आए श्रद्धालुओं ने लगाई मां गंगा में डुबकी। उत्तराखंड के हरिद्वार गंगा दशहरी और निर्जला एकादशी के अवसर पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। लाखों की तादाद में आए श्रद्धालुओं ने लगाई मां गंगा में डुबकी। मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 16 जोन एवं 37 सेक्टर में किया गया था विभाजन। पेश है सबके नजर के लिए स्टेट हेड कुणाल शर्मा की खास रिपोर्ट। मंत्री, जैसे कि आज गंगा दशहरा है और कल निर्जला एकादशी है, क्या कुछ मान्यता है दोनों? देखिए, माँ गंगा आप जानते हैं कि हम सभी की आराध्य हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार है, और आज के दिन माँ गंगा देव लोक से पृथ्वी लोक पर आई थी, इसलिए आज माँ गंगा का अवतरण दिवस भी कहते हैं कि जब शिव जी की जटाओं से निकलकर माँ गंगा ने पृथ्वी लोक पर जब प्रथम बार आई थी, तो वो आज के दिन दशहरे की तिथि थी, और आज तभी से ये पर्व जो है माँ गंगा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज माँ गंगा में स्नान करने का, माँ गंगा में पूजा अर्चना करने का और गंगा तटों पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व कहा गया है। वैसे तो कभी भी आप माँ गंगा का आशीर्वाद लें, माँ गंगा में स्नान करें, पूजा करें, उसका एक महत्व है, लेकिन जब कोई विशेष तिथि होती है तो उसमें उसका महत्व बढ़ जाता है। और इसी प्रकार आज क्योंकि माँ गंगा जी का एक अवतरण दिवस है, पृथ्वी लोक पर आई थी, तो आज के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ हर की पौड़ी पर आते हैं, माँ गंगा में स्नान करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्णति माँ दूर दूर से यहाँ पर यात्रीगण आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, हम विश्व के सनातनी परंपराओं के आस्था के केंद्र पर हम यहाँ बैठे हैं। हर की पौड़ी के माध्यम से हम हमारा जो सनातन धर्म है, जो माँ गंगा का जो एक संदेश है, हम उसको पूरे विश्व को देते हैं, और माँ गंगा अपने आशीर्वाद से पूरे विश्व का भी कल्याण करती है। मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि आइए इस आस्था की धारा में डुबकी लगाइए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्णति कीजिए, माँ गंगा से माँ गंगा में स्नान और पूजा अर्चना आदि करके अपने पापों को नष्ट कीजिए, पुण्य कमाइए। लेकिन साथ ही साथ जैसे माँ से हम अधिकार से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन माँ के जो प्रति हमारे दायित्व हैं उनका भी निर्वहन कीजिए। माँ गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखिए, यहाँ माँ गंगा को और गंगा तटों को प्रदूषित ना कीजिए। पुराने कपड़े, पॉलीथीन, पुरानी पूजा सामग्री ना तो माँ गंगा में प्रवाहित कीजिए, ना गंगा तटों पर छोड़िए। और कहते हैं कि सारे जग के पाप गंगा तट। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ एथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है।